सो गाइस व्हाट्सएप का एक फीचर है जिसका नाम है चैट लॉग। तो इसके बारे में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या होता है, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसे सेटअप करना है। बस आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक चैट को ओपन कर लेता हूँ, मेरा ही चैट है तो ये मैंने ओपन करा। तो अगर मेरे को इस वाले चैट में चैट लॉग डालना है, मैं पहले सिंपली ऊपर जो यूज़र नेम आपको दिखाना है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा चैट लॉक का, उसके ऊपर आपको डिसअपीयरिंग मैसेजेस दिखेंगे और उसके ऊपर आपको इंक्रिप्शन दिखेगा। तो आपको सिंपली अगर चैट लॉक को लगाना है ना तो सिंपली चैट लॉक पे क्लिक करो। अब चैट लॉक लगाने से पहले आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि चैट लॉक होता क्या है। तो देखो भाई, जैसे कि आप अपने फ़ोन में पासवर्ड डालते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपको ना सिर्फ फ़ोन में पासवर्ड नहीं डालना है, आपको किसी भी एक चैट में पासवर्ड डालना है। और वो जो चैट है ना वो हर कोई ओपन ना कर सके। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भाई गर्लफ्रेंड वगैरह का चैट है या कोई भी ऐसे फ्रेंड का चैट है जिसके जो कन्वर्सेशंस है, जो मैसेजेस हैं, आप चाहते हो कि कोई हर कोई ना देख सके, वो हाइड हो जाए। और उसमें अगर कोई को पता भी चल जाए कि वो वाले चैट के बारे में, तो कोई जब तक पासवर्ड या फिर पासवर्ड ना डाल दे, फिंगरप्रिंट ना लगा दे या फिर फेस आईडी ना दिखा दे, तब तक वो जो चैट है वो ओपन ना कर पाए। तो उसके लिए अपन ने चैट लॉक को लगा सकते हैं। अगर आप लर्न मोड पर क्लिक करोगे तो आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हो। तो अपन लर्न मोड पर मैं आपको क्लिक करके ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऊपर जो चीज़ें हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो अब अपन बैक आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाई लॉक दिस चैट विद फेस आईडी, पर कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई मेरे को तो आ रहा है लॉक दिस चैट विद फिंगरप्रिंट, कोई बोलेगा नहीं यार मेरे में तो पासकोड आ रहा है। तो भाई ऐसा अलग अलग क्यों आ रहा है? तो भाई ऐसा रहता है कि अगर आपके फ़ोन में फेस आईडी सपोर्ट नहीं करता है, नहीं है अवेलेबल, तो शायद आपके में फिंगरप्रिंट होगा तो आपके में फिंगरप्रिंट आ रहा होगा। अगर आपके फ़ोन में ना फिंगरप्रिंट है ना ही फेस आईडी है तो आपके में आ रहा होगा पासकोड का। इसलिए भाई मेरे में फेस आईडी अवेलेबल है इसलिए मेरे में फेस आईडी का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको उस चैट को लॉक करना है तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले आपको यहाँ तक पहुँच जाना है। पर यहाँ तक पहुँच जाने के बाद आपको सिंपली लॉक दिस चैट का जो ऑप्शन है इसे सिंपली इनेबल कर देना है। जैसे कि मेरे में फेस आईडी सेट है, तो अगर आपके फ़ोन में फेस आईडी सेट ना हो, पहले आपको सेटिंग्स में जाके फेस आईडी को सेटअप कर लेना है, तभी जाके यहाँ पे वो यूज़ हो पाए। तो चाहे वो फिंगरप्रिंट हो चाहे पासकोड हो, जब तक आप सेटिंग्स में जाके उसे सेव नहीं कर लेते, सेटअप नहीं कर लेते, तब तक हम यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो सिंपली सेटिंग में करने के बाद फिर ही आपको यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे आ रहा भाई दिस चैट विल नॉट बी लॉक्ड ऑन योर लिंक्ड डिवाइसेस, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाट्सएप है, अब आपने इसी सेम व्हाट्सएप को एक और फ़ोन में भी लिंक करके रखा हुआ है, या फिर आपने क्या करा आपने व्हाट्सएप वेब पे भी ओपन करके रखा हुआ है, तो ऐसा रहेगा कि जो चैट है ना भाई लिंक्ड डिवाइस पे लॉक नहीं होगा। मतलब कि मान लो जैसे कि ये मेरा फ़ोन है और मैंने सेम व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में भी ओपन कर लिया व्हाट्सएप वेब के थ्रू, तो उसमें ना भाई शो होगा ये चैट, उसमें लॉक नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपका जो व्हाट्सएप है किसी और फ़ोन में भी लिंक है तो उसे आपको पहले अनलिंक करना पड़ेगा। तो अपन को सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अब मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब आपको ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू अलाउ व्हाट्सएप टू यूज़ योर फेस आईडी। अब आपके में फिंगरप्रिंट होगा तो फिंगरप्रिंट आएगा, पासकोड होगा तो पासकोड आएगा। अब आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखो भाई आपको लिखा हुआ आएगा दिस चैट इज नाउ लॉग्ड, यू कैन फाइंड इट लॉग्ड इन द चैट्स टैब। अभी जो चैट टैब है ना यहाँ पे आपको ऊपर लॉग्ड वो चैट मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखो खुद ही व्हाट्सएप बता रहे कैसे मिलेगा चैट को, आपको थोड़ा सा नीचे साइड स्लाइड करोगे ना तो आपको यहाँ पे लॉग चैट शो होने लगेंगे। तो आपको व्यू पे क्लिक करना तो व्यू पे क्लिक करना। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये जो मेरे से हो गया गलती से हो गया मेरे को लॉक नहीं करना, तो सिर्फ अंडू पे क्लिक कर सकते हो, पर अपन व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि एक लॉग चैट मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं भाई बैक आ जाता हूँ, ये मैं बैक आ गया। और बात आ रही है कि ये लॉक चैट में कैसे देखूं, तो आपको अगर लॉक चैट देखना है ना तो सिंपली भाई यहाँ पे होल्ड करके रखो, यहाँ पे इस इंटरफेस को होल्ड करके रखोगे ना ऊपर करोगे तो देखने लगेगा। ठीक है मैं हटा के दोबारा से ओपन करता हूँ व्हाट्सएप को। देखो मैंने अभी हटा के दोबारा ओपन करा ना तो यहाँ पे कोई भी लॉक चैट नहीं दिख रहा है। तो आपको अगर देखना है ना सिंपली हल्का सा और स्लाइड करोगे ना तो यहाँ पे लॉक चैट दिखने लगे। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे फेस आईडी मांग रहा है। अब फेस आईडी जैसे ऑटोमेटिकली भाई वो रिकॉग्नाइज कर लिया फ़ोन ने और ऑटोमेटिकली खुल गया। अगर आपका फिंगरप्रिंट होता तो जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लगाते ना तब तक ये चैट ओपन नहीं होता। मैं काम करता हूँ ना इसमें अपना फेस नहीं निकाला, फेस छुपा लेता हूँ। ये मैंने फेस छुपा लिया। अब देखो भाई मेरा फेस नहीं दिखा तो उसने क्या करा नहीं लिया। अब मेरा फेस फिर से दिख गया तो उसने ले लिया। तो यही चीज़ है भाई, ऐसा आप कोई भी चैट को लॉक कर सकते हो। तो उससे ऐसा रहेगा हर कोई उस चैट को ओपन नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दो तीन चैट को और डाल देता हूँ लॉक चैट में। अब देखो भाई मैंने दो तीन चैट्स को डाल दिया लॉक चैट में, तो यहाँ पे आपको दो तीन चैट दिख रहे होंगे। ऊपर आ रहा है चैट विल नॉट बी लॉक्ड ऑन डिवाइसेस यू लिंक टू व्हाट्सएप। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अगर आपने अपने व्हाट्सएप को किसी और डिवाइस में या फिर पीसी में लैपटॉप में लिंक करके रखा हुआ तो उनमें ये जो चैट लॉक है ना ये शो नहीं होगा। उन सब में जितने भी चैट्स हैं सब होंगे, एक भी चैट लॉक
नहीं होगा। बात आ रही है कि अगर आपको कोई चैट अनलॉक करना, मतलब कि लॉक से हटाना है लॉक चैट में से, तो क्या करेंगे? तो सिंपली भाई उस चैट को ओपन कर लो जहाँ पे पहले आए थे, यहाँ पे चैट लॉक पे सिंपली इस पर क्लिक करना और इसे आपको अनेबल कर देना है। फिर आप देख सकते हो कि जो चैट है ना, ये चैट लॉक में से रिमूव हो चुका होगा, जैसे कि फाइनली रिमूव हो चुका है। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि चैट लॉक क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसे कैसे सेटअप करना है, अगर आपको उसे अनेबल करना है तो वो भी कैसे करते हैं, वो मैं आपको आज की वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी आपको भाई व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। सभी मेरे प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रही। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो।